नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसटी एसटी काला कानून वापस लो, वापस लो। 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 मोदी डेरी ताना साहि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी डेरी ताना साहि नहीं चलेगी, नहीं। देखिए एसटी एससी के जो भाई हैं हमारे विरोधी नहीं हैं, हमारा उनसे सनातन का संबंध है, लेकिन इन सियासी राजनीतिक दलों ने संसद में एक काला बिल पास करके उच्चतम न्यायालय के एक लोक मंगलकारी निर्णय का गला घोट करके ये जो काला बिल लाया है ये सदी का महापाप किया है। भाईचारे में आग लगा दिया है, भाई भाई में बंटवारा कर दिया है। हम इस बंटवारे को रोकने के लिए, आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए एसटी एसटी एक्ट के काले कानून को डिमोलिश करने की बात करते हैं, उसको वापस लेने की बात करते हैं, तभी जनता का गुस्सा शांत होगा। वरना विपक्ष विकल्प की मांग करने वाले लोग विकल्प विकल्प रहते रट जाएंगे। जनता तो विकल है और जनता इतनी विकल हो चुकी है उससे विकल्प की भी बात करते हो? 78% के हाथों में हथकड़ी लगवा करके वोट लोगे, ये कौन सा न्याय है? ऐसा न्याय तो मुगलों और अंग्रेजों भी नहीं किया था, प्राकृतिक न्याय की इन लोगों ने हत्या कर दी है। नरेंद्र मोदी होश में आवे, अमित शाह अपने अहंकार पर रोक लगावे। यह जनता जो है ना बड़े बड़े को ढोल चटा दी है, इन लोगों को भी ढोल चटाने में देर न करे। तो ये थे एससी एसटी के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। आपने देखा कितना उग्र प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, और अभी ये लोग जा रहे हैं गांधी प्रतिमा पर भी प्रदर्शन करेंगे, और विधानसभा के सामने भाजपा कार्यालय के प्रदेश कार्यालय के बाहर इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा था। मोदी और योगी जी को अभद्र शब्द भी कहे जा रहे थे। इसी का विरोध प्रदर्शन एससी एसटी एक्ट को लेकर इन लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आइए आगे भी देखेंगे कि किस तरह से इनका विरोध प्रदर्शन बढ़ता है। तो जैसा कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है एससी एसटी एक्ट के तहत, तो आइए हमारे साथ एक मौजूद हैं हिंदू युवा वाणी के संगठन के ही लोग हैं, और क्या है संगठन में आइए उन्हीं से जानेंगे कि क्या राय है उनकी एससी एसटी एक्ट का जो गठन हुआ है और जिस पे विरोध प्रदर्शन इस तरह से लोग कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? शशांक शुक्ला, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। ये बताइए जो एससी एसटी एक्ट पे विरोध प्रदर्शन हुआ इस पे आप लोग क्या कह रहे हैं? एससी एसटी विरोध प्रदर्शन हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार सरकारों की पार्टियों की अनदेखी सामान्य वर्ग के लिए जो बनी हुई है, सब वोट बैंक की राजनीति के लिए आप एससी एसटी एक्ट का प्रावधान कोर्ट में जाते हैं, बदलवा के लेके आते हैं। बीजेपी के पास शायद और भी कई मुद्दे थे जिस पे वो कार्य करती, तो हिंदू और हिंदू समाज स्वर्ण समाज उनका पूरा समर्थन में खड़ा होता और हमेशा से खड़ा होता आया। जी जी, जो प्रदेश में सरकार चल रही है बिल्कुल बिल्कुल, हमारे महाराज जी बीजेपी के प्लेटफॉर्म ही काम पर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और लगातार हम लोगों ने भी बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन इस मुद्दे पे हम जो है साफ बीजेपी के विरोध में खड़े हैं क्योंकि एससी एसटी एक्ट हमारे संविधान के हिसाब से हमारे अधिकारों का हनन है। आप किसी भी स्वर्ण को बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आधार के, आप उसको एक शिकायत पे अगर आप उसके ऊपर केस लगा दे रहे हैं, आप उसे बंद करवाए दे रहे हैं, तो ये एक तरीके की जाती हुई हमारे ऊपर। कम से कम कोर्ट में कुछ तो प्रावधान लाइए, आप हमारे ऊपर झूठे मुकदमे अगर लग रहे हैं तो उस पर कुछ प्रावधान लाइए कि मतलब कि हमें क्या कोई मुआवजा मिलेगा। कितने भी 70% केस आज के टाइम पे इस पे झूठे साबित हो रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, जनता भी देख रही है। आरक्षण की मार स्वर्ण समाज पहले से ही झेल रहा है, कहीं ना कहीं एससी एसटी एक्ट जो बनाई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है। बिल्कुल हनन है हमारे अधिकारों का, और इसके बिल्कुल मैं विरोध में हूँ, इसके बीजेपी के विरोध में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें सभी स्वर्ण समाज के नहीं, सभी हिंदुओं को हमारे समर्थन में उतरना चाहिए, स्वर्ण समाज के लिए की आवाज उठानी चाहिए कि एक समाज का एक टुकड़ा ऐसा भी है जिसके खिलाफ लगातार कई वर्षों से आरक्षण की मार वो झेल रहा है, उसके बाद भी आज एससी एसटी एक्ट के जैसे प्रावधान अगर लाए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे कि जो विरोध प्रदर्शन भाजपा कार्यालय के बाहर अभी तक कर रहे थे, और भाजपा के ही लोग जो कि हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए हैं, उन वो भी इस
कानून के खिलाफ है कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एससी एसटी एक्ट हमारे अधिकारों का हनन करता है। जैसा कि भी हमने आपको बताया था, भाजपा कार्यालय से गांधी प्रतिमा पर इन लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप हमारे बैक में देख सकते हैं कि किस तरह से गांधी प्रतिमा पर। तो इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।